वेलकम टू रवीज ट्रैवल चैनल। आज नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मणिकरण गुरुद्वारे और ये है सामने पार्वती नदी। बहुत तेज बहाव है इसका और वो है सामने गर्म पानी का चश्मा और सरोवर। गुरुद्वारे के चावल और मंदिर का प्रसाद सब यही बात है, ये गर्म पानी के चश्मे में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमने ये रोड ट्रिप टू माउंटेन स्टार्ट किया था दिल्ली से। सबसे पहले हमने जाना था कटरा वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। यात्रा पूरी करने के बाद फिर हम वहां से मनाली के लिए निकल गए। मनाली को हमने अपना बेस बना लिया। हम वहां पे 2 वीक्स रुके, एक होम स्टे ले लिया था हमने। वहां पे काम भी कर रहे थे और साथ में हम डे ट्रिप और वीकेंड ट्रिप के लिए निकल जाते थे। लाइक हम वहां से निकल गए फिर कसौल, मणिकरण साहिब, फिर एक दिन रोहतांग पास, सिसू लेक, वाया अटल टनल निकल गए। बहुत सारे कैफेज भी एक्सप्लोर किए एवरी डे। ओल्ड मनाली की वाइब वो कैफेज में मिलती है वहां पे। फिर हम वहाँ से लद्दाख के लिए निकल गए। हम गए थे वहाँ से कीलोंग से जिस्पा, जिस्पा से जिंगजिंग पार, और फिर ये होते हुए बहुत सारे हाई पासिस क्रॉस करते हुए फिर हम ले सिटी पहुँच गए। फिर हमने ले को अपना बेस बना के वहाँ से हम निकलते थे नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक और बहुत सारे साथ में एरियाज जैसे कि कारगिल और पत्थर साहब सब कवर करने के लिए हम वहाँ से निकलते थे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। जा रहे कैफे में, बहुत ही शानदार कैफे है, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पर लंच करने के लिए। ये है वो पूरा गुलाबों से सजा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये, अभी तो अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये एक हिडन जैम है एक तरीके से, बहुत ही सुंदर है। स्पेशली ये वाला कॉर्नर कैफे वाला बहुत ही अमेजिंग है। अभी डिस्कवर किया हमने इसको, एक अंकल आंटी चलाते हैं, बेंगलोर से आए हैं अभी कुछ ही मंथ्स पहले। ये उसका आउटसाइड का एरिया प्रॉपर्टी का। बहुत ही ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉर्नर है। यहाँ पे सारे एप्पल के ऑर्चिड लगे हुए हैं, प्लम्स के भी। हाँ जी आंटी, बहुत ब्यूटीफुल कैफे है आपका। आपने कैसे सोचा इसको यहाँ पे मनाली में बनाने का, और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे कैसे हैं ये मैं बाद में बताऊँगी। वैसे ट्रैवलिंग मेरा पैशन था। हम लोग जब से छोटे थे, मतलब तब से कलकत्ता में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। पापा बैंक में थे लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब थी उनकी, तो हर 3 इयर्स पे ट्रांसफ़र होते रहे। तो इंडिया के हर पार्ट में मैं रह चुकी हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो इस तरह से ट्रैवलिंग था। तो एक्चुअली ये सब कुछ स्टार्ट मेरी बेटी के विज़न से ही हुआ। okay. उसने जॉब क्विट की और फिर इसके बाद बीएमसी का कोर्स किया। उसमें माउंटेनिंग कोर्स के दौरान वो कई बहुत सारे ट्रैक किए। okay. उसके बाद 2012 में हम लोगों ने जस्ट चीयर अप करने के लिए फैमिली हम लोग मनाली आए, और बाई चांस एक घर था जो पूरा रोजेस से भरा हुआ था। और बाई हम लोगों ने बस उसे देखते ही कहा, मेरे मुंह से निकला, काश ऐसा एक घर छोटा सा हमारा यहाँ होता। लेकिन पता नहीं डेस्टिनी और मतलब भगवान जी क्या सोचते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड्स विल ओनली। अच्छे खाने और अच्छी वाइब के साथ फिर वहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकल गए मणिकरण साहिब के लिए। ये मनाली और कुल्लू के रास्ते में यहाँ पे फ्रूट्स वाले आते हैं बहुत सारे, तो रुके हम फ्रूट्स लेने के लिए। जैम, फ्रूट और पता नहीं क्या क्या सब कुछ मिलता है, चेक करते हैं। अभी हैं कसौल के रास्ते में। ये गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और ये उसका गर्म पानी का चश्मा, और ये पीछे उसके नदी बहती है, अभी दिखाते हैं। हम आए आज मणिकरण गुरुद्वारे माथा टेकने। इतना बहाव तेज है ना यहाँ पे। मणिकरण गुरुद्वारा पार्वती वैली में है और ये पार्वती रिवर के पास है, और ये एक्चुअली पड़ता है हिमाचल में ही कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें ना गर्म पानी के चश्मे हैं
और इसके रिलीजियस बिलीफ भी है काफ़ी। हिंदुओं के लिए है कि यहाँ पे मनु ने रिक्रिएट किया था मणिकरण को आफ्टर जो फ्लड आए थे उसके बाद, और शिव जी से रिलेटेड भी काफ़ी हिस्ट्री है इसकी। और सिखों में है कि गुरु नानक देव जी की थर्ड उदासी के टाइम पे वो भाई मर्दाना जी के साथ आए थे यहाँ पे, और लंगर के लिए कुछ पकाने के लिए नहीं था तो गर्म पानी का चश्मा उन्होंने भी प्रयोग किया था, जिससे फिर वो लंगर पका था उस टाइम पे। वैसे तो ये मंदिर और गुरुद्वारा भाईचारे की मिसाल है, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर सारी फ़ोटोज़ सारे हिंदू धर्म की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। गुरुद्वारे के चावल और मंदिर का प्रसाद सब यही बात है, ये गर्म पानी के चश्मे। मंदिर में गुरुद्वारे का लंगर पकता है इसके गर्म पानी के चश्मे में। गागर भर रहे हैं ना, यही नहीं पानी में चावल बन रहे हैं। मिसाल है ये मंदिर गुरुद्वारा सब एक है, सारे घर में इकट्ठे होते हैं। चावल ही रखते हो? चावल वाला जो काम है सब इतने। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलते हुए मणिकरण से अपना स्टॉप ओवर कसौल में किया। आगे जी आगे। ये मनाली में हडिम्बा के पास ना एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है सदन सोल्स, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। वन ऑफ द हिडन जेम है मनाली में, पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना मिलेगा आपको, क्योंकि कुक जो है वो भी केरला से है। ये फ्रेश उपमा, ये उत्तपम मिक्स वेज उत्तपम। ये है हमारा होम स्टे और ये है सीनरी यहाँ से। नेक्स्ट टू डेज़ हम वहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, ओल्ड मनाली और न्यू मनाली दोनों साइड पे, और फिर उसके बाद हम निकले थे वहाँ से रोहतांग। हम आ गए हैं ओल्ड मनाली चलते चलते, नीचे रिवर है और ज़िप लाइन हो रही है, उस साइड में सारे कैफ़ेज़ हैं ओल्ड मनाली के, बहुत सुंदर है ये भी। अभी हम आए लेजी डॉग में जो कि ओल्ड मनाली में, दिखाते हैं आपको अभी अंदर से दिखाते हैं। काफ़ी सही वाइब थी लेजी डॉग कैफ़े में, खाना भी बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली ये हमारा स्टेकेशन ही हुआ एक तरीके से, वहाँ पे मैं काम भी कर रहा था और साथ में व्यू को भी एंजॉय कर रहे थे, अच्छा वाईफाई भी मिल गया था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हिमाचल से आगे लेह लद्दाख के सफ़र के लिए, इसको अगर आपको देखना है आगे कंटिन्यू तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।